नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम किसी भी एलईडी टीवी के पैनल पे जो भी डिस्प्ले देखते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कलर का, और कलर से ही सारे हमारे इमेज और वीडियो बनते हैं। और इसके डेप्थ में जाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस समय जो टेक्नोलॉजी है वो AI बेस पे काम करती है, यानी काम कर रही है। इधर आप जो भी डिवाइसेस देखेंगे वो काफ़ी सेंसिटिव होंगे और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, क्योंकि डिस्प्ले हमारा अब कई जगह पे कई फील्ड में यूज किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एलईडी टीवी में। अब हर जगह पे डिस्प्ले की एक बहुत ही खास भूमिका हो गई है, तो इसलिए इसके बारे में जानना डेप्थ में बहुत ज़रूरी है। और उसके ज़रूरत को हम देखते हुए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में क्या है कि तीन कलर काम करते हैं, RGB, R मतलब हुआ रेड और G मतलब हुआ ग्रीन, B मतलब हुआ ब्लू। और इन तीनों कलर जो बेसिक हैं, हमारे प्राइमरी कलर हैं, इनके एक वैल्यू होते हैं, और वैल्यू का जो पैरामीटर होता है वो यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रत्येक जो इसका मतलब जितना पैरामीटर है वो है 256, यानी एक कलर का। और तीनों कलर को आप देखेंगे तो 256 256 यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे अगर तीनों कलर के पैरामीटर जो हैं वैल्यू, इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा टोटल ये आता है, ये कैलकुलेशन कर जो रिजल्ट आता है, ये होता है 1,67,77,216, यानी जो पॉसिबल कलर है जितना मतलब हो सकता है कि दिखने मतलब हमारा आँख देख सके वो चीज़ें, ये डिटेल है। इसीलिए हमने 8-bit को उसमें बताया था अगले वीडियो में, यानी जो इसके पहले भी बनाए हैं, तो उसमें क्या हुआ कि 8-bit हमने जो है इसको इसलिए क्लियर किया है कि 8-bit हमें यूज क्यों करना पड़ा। तो 8-bit में आपको बता दें कि ये हमारा जो है 256 का जो बाइनरी कोड है, यानी कोई भी IC जो उसमें काम करती है उसमें सिग्नल इनपुट होता है और उसको प्रोसेस करके आगे जो है डिस्प्ले के लिए जो है रन कराती है, तो उसमें जो प्रोसेस होता है, इसलिए IC पर देखते होंगे बिट लिखे होते हैं, तो इनका जो कैपेसिटी होता है IC का उसी के अनुसार ये हमारा जो है लॉजिक काम करता है, उसी लॉजिक के बेस पे हमें डिस्प्ले दिखाई देते हैं। तो इसको समझने के लिए जिसे आप इस समय देखेंगे तो जो भी पहले 1280x720 का जो ये रेडी HD होता था, अब वो डिस्प्ले आपको बहुत ही कम रियर केस में देखने को मिलेंगे। अब ज़्यादातर आपको 1920x1080 यानी फुल HD देखने को मिलेंगे। उसके बाद 4K आ गया, 4K के बाद जो है 8K आ गया। अब 8K और 4K में जो डिफरेंसेज मिलेंगे, तो जैसे 4K है उसमें 5G टेक्नोलॉजी इंक्लूड है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो हमारा 8K है, तो उसमें AI बेस पे आप काम करें मतलब आपको मिलेगा जो टेक्नोलॉजी AI बेस पे जो है वो डिजाइन किया गया है। अब उसमें क्या होगा, वो काफ़ी सेंसिटिव है, जो टच है और हमारा जो इमोशन है उसके बेस पे काम करेगा। AI मतलब हुआ इमोशन बेस पे। अब जैसे पहले हमारा जो माइंड होता है, एक लॉजिक होता है, एक इमोशन होता है, तो उसी के बेस पे टेक्नोलॉजी भी जैसे लॉजिक पे पीक पे जाके एंड हो गई है, ऐसे अब जो है सारा काम जो है इमोशन पे हो रहा है। इसलिए आप देखिए फिंगरप्रिंट और जो टच पे हमारा उंगली काम करता है, आप देखते होंगे स्क्रीन पे जब स्क्रॉलिंग करते हैं, तो ये सब क्या है, टच सेंसिटिविटी है। अभी इस पे इस बेस पे सारे जो है टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं। अब आपको जो पिक्चर की इमेज मिलेंगे, जो पिक्चर की वीडियो मिलेंगे, वो चीज़ें कलर पे बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया है कि लगेगा आपको फीलिंग कि पिक्चर में से जैसे कोई हमारा नेचुरल इमेज है, नेचुरल पिक्चर है, वो चीज़ें आपको फील कराएगा TV आपका। जैसे इस समय आप देखे होंगे टेक्नोलॉजी में कि TV के बाहर निकलते हुए फीलिंग करते हैं। पहले क्या होता था कि वही टेक्नोलॉजी हमको एक 3D सिस्टम के वजह से मतलब 3D सिस्टम के माध्यम से देखने को मिलता था, तब हम उसको फील कर पाते थे। अब आपका एक जो रूम है उसमें उस चीज़ को फील आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस लेवल पे फ्लो कर गई, इसलिए इस चीज़ को हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें देखेंगे तो जैसे ये 1920x1080 है, इसी का डबल यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देखें तो ये आपका जो 3840x2160 है, ये इसका डबल है। फिर आप इसका नेक्स्ट आएंगे 8K जो पैनल है उस पर इसका डबल हो गया, यानी 3840x2160 का जो है डबल हो गया 7880 इंटू
ये 43 20, ठीक है, इसका डबल हो गया। अब इसमें देखिए ये रेजुलेशन बढ़ाया क्यों जा रहा है, बढ़ाया इसलिए जा रहा है कि जैसे जैसे स्क्रीन साइज बढ़ेंगी, तो अगर मान लीजिए पिक्सल हमारा 19 20 है और 1080 है, यानी फुल एचडी है, तो अगर इसको स्क्रीन को साइज को और बढ़ाया जाए तो पिक्सल फट जाएंगे। यानी जिस एरिया में, जैसे पीपीआई होता है पिक्सल पर इंच, तो उसमें जो पिक्चर बनती है, जब जब साइज बढ़ाते हैं तो साइज में क्या होता है, वो कलर वो जो है कंट्रास्ट फट जाते हैं। अब फटने का जो होता है वो मतलब इफेक्ट, वो हमको पिक्चर ठीक से दिखाई नहीं देता है, यानी पूरा पिक्चर जो है लो कंट्रास्ट होता है। अब उसी में अगर पिक्सल को बढ़ा दिया जाए तो वो क्या होता है, साइज के अनुसार पिक्सल की संख्या बढ़ जाएगी, पिक्सल की संख्या बढ़ने पे पिक्चर का जो कंट्रास्ट है और जो कलर है, जो इफेक्ट है, वो नेचुरल हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्क्रीन की साइज बढ़ती है, वैसे वैसे पिक्सल भी जो है हमारे बढ़ते हैं। अब इस प्राइमरी कलर का जो बेसिक वैल्यू है, जो पैरामीटर है 256, ये 256 ना होके इसको 255 माने। 255 इसलिए क्योंकि डार्क से लाइट की तरफ, यानी डार्क क्या है कि जीरो, जीरो में क्या होगा कि जैसे इसमें से जीरो निकलेगा तो 255 हुआ, तो यानी डार्क हमारा जीरो हो जाएगा, यानी उस समय पिक्सल ऑफ रहेगी। तो जीरो से जो है 255 के बीच का जो इसमें वैल्यू है कलर के तीनों का अलग अलग, ये 255 ही है। इसमें डार्क से लेकर लाइट तक के वैल्यू हैं, इसलिए दोनों को इंक्लूड करने पे, जोड़ने पे 256 टोटल हुए, यानी डार्क को भी इसमें जोड़ लिया गया। तो इसलिए इसमें जो पिक्चर का जो इफेक्ट होता है, कलर का जो होता है कि डार्क से निकला, फिर आस्ते 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 कलर का जो इफेक्ट होता है कि जाकर वो जो है अपना लाइट में जितना होता है उसका उतना हो जाता है क्लियर। यानी सबका कलर का अपना अपना जो पीक होता है, वो चीज़ें जीरो से और इंड तक होता है लाइट, जितना बेस होता है इसमें। अब तो इसमें और भी एडवांस है कि कलर को और भी जो है आर्टिफिशियल तरीके से भी जो है बनाने, मतलब डिस्प्ले बन रहे हैं, वो अलग अलग आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे स्क्रीन पे। और ये तीनों कलर ये प्लस माइनस के बेस पे होते हैं। जैसे हमारा सिग्नल होता है, ये एसी सिग्नल होता है, तो उससे एसी सिग्नल में क्या होता है, जो साइकिल बनती है फ्रिक्वेंसी, वो चीज़ें ऐसे ऐसे रन करती है। तो इधर से ऐसे किया तो ऊपर की तरफ गया तो प्लस हो गया, फिर नीचे की तरफ आया तो माइनस हो गया, फिर ऊपर की तरफ गया प्लस हो गया। तो इस प्लस माइनस के बेस पे ये काम करते हैं। और इसकी जो सॉफ्टवेयर फाइल होती है, उसी सॉफ्टवेयर फाइल के सेलेक्टिक के अनुसार जो है पैनल से मैच कराया जाता है, क्योंकि पैनल ऑलरेडी उस पिक्सल के लिए डिजाइन किए गए होते हैं जिस पे हमारा पिक्चर और इमेज के जो वीडियो के जितने भी सिग्नल हैं उनको प्रोसेस करके वो डिस्प्ले के रूप में स्क्रीन पे दिखाता है। तो पैनल की जो सेटिंग होती है, जो पैनल का डिजाइन होता है, वो कंपनियों पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से और किस तरीके से वो पैनल को डिजाइन किए हैं। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का जो फंडामेंटल होता है, वो सर्किट के, यानी जो टिकॉन हुआ और हमारा जो स्केलर हुआ, उस पे वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, यानी सेम नहीं रहता। हर कंपनी का एक अलग अलग टिकॉन और अलग अलग स्केलर, अलग अलग उस पे जो है टेस्टिंग पॉइंट और कुछ लैंग्वेज हैं, जो सारी चीज़ें चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ तक है कि हमने इसके पहले भी एक बार एलजी में बताया था कि जो रेजिस्टेंस यूज किए जाते थे, जैसे पहले हमारा कलर होता था, कलर कोड से रेजिस्टेंस को क्लियर किया जाता था कि इसका वैल्यू कितना है। अब क्या है, उसके बाद फिर डिजिटल आया, डिजिटल से उसके कोडिंग से हमको क्लियर करना होता था कि ये हमारा 1K है कि 2K है। अब क्या है, अब कंपनी के अनुसार जो है आपको रेजिस्टेंस के वैल्यू भी डिफरेंस देखने को मिलेंगे। यहाँ तक है कि रेजिस्टेंस के वैल्यू लिखे भी नहीं होंगे, और अगर कहीं आपको उसमें लिखा भी मिलेगा तो वो अलग अलग कोडिंग होगा, वो होगा कंपनी के अकॉर्डिंग। जैसा कि हमने एलजी में दिखाया था कि उसके टिकॉन, सॉरी सोर्स पीसीबी पे उसमें जो उसका गामा करेक्शन का वहाँ पर दिखाए थे कि देखिए वहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है अलग अलग है, लेकिन वहाँ शो किस कोड से किया गया है। तो अब सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी को एक सीक्रेट रखने के लिए नंबर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉपी जो हो रहा है इधर उधर, इसलिए जो है कंपनियां अपना सीक्रेट, यानी उस सिस्टम टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए सॉफ्टवेयर बेस पे देखिए सबसे अधिक काम हो रहे हैं। अब जो कि सॉफ्टवेयर इंटरनल चीज़ें हैं, उसे जो है
एक फाइल के द्वारा क्रिएट किया जाता है। अब सर्किट के बेस पे यानी हार्डवेयर बेस पे आप देखेंगे तो वो चीज़ें अलग है, और सॉफ्टवेयर बेस पे देखेंगे वो चीज़ें अलग है। तो इसलिए सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, और जानने के साथ साथ अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि अब जैसे सेंसिटिव डिवाइसेस जो हैं, जो टच पे काम करते हैं, अचानक का अगर उसमें कोई भी डिस्टर्ब हुआ, तो डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हार्डवेयर वाइज फॉल्ट हुआ, अब उसे ऑपरेट करने के लिए या उसे रीसेट मोड में लाने के लिए या उसे फिर से जो है अपने फैक्ट्री रीसेट में करने के लिए, ये सारी चीज़ें अब जानने के लिए बहुत ही ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसी तरीके से हम पैनल पे इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम एक DSO के हेल्प से उसे हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि लाइव कि कैसे ये काम करता है। और जैसे यहाँ पर देखें इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि 19, 20, 10, 80 60 हर्ट्स, ठीक है। ये जो 148 मेगाहर्ट्ज़ है ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, किस जगह पे ये चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं, तो इन सारे चीज़ों को एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। जैसे फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 4K 3840 × 2160, ये भी 60 हर्ट्ज़ और ये भी 60 हर्ट्ज़। अब ये इसकी फ्रिक्वेंसी 148 मेगाहर्ट्ज़ है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है 594 मेगाहर्ट्ज़। अभी 148 और ये 594 मेगाहर्ट्ज़, ये कैसे हम देखेंगे और कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं काम कर रही। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपको DSO पे देखने को मिलेंगे, और उसे हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारा और भी सिस्टम जो है वर्क करता है। और देखिए कलर के डेप्थ में जाने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हमने जो उस समय कलर कोड का जो यहाँ पे क्लियर कर रहे थे बोर्ड पे, तो उस समय भी बताए थे कि जो कलर का जो 0 से 9 का है रेशियो, और जहाँ पे रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग का जो कलर इंडिकेट का मतलब फंडामेंटल था, उसको उस समय भी बताए थे कि इसमें बहुत सारे जो सीक्रेट हुए हैं उसमें बहुत सारे रहस्य ऐसे छुपे हैं कि वो एक साइंस बेस पे काम करता है। क्योंकि इसीलिए जैसे कुछ वैज्ञानिक के द्वारा जो हमारा खोजा गया ये इंडिकेशन था कि कलर का रेड और ब्राउन ब्लैक ये सब सारी चीज़ें उसके द्वारा ये इंडिकेट की गई हैं, इंडिकेट का मतलब कि उसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य हैं जो हमारा एक यूनिवर्स सिस्टम काम करता है। उस कलर को आप समझेंगे क्योंकि कलर के इफ़ेक्ट भी होते हैं, और इसी को कलर को लेकर हम यहाँ पर भी बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो भी कलर, 3 कलर प्राइमरी है और प्राइमरी से सारे कलर को बनाया गया है, इसमें भी एक रेजिस्टेंस जो है डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। जब आप LVDS पे देखते हैं कि 100 ओम के डिफरेंस में जो है हर एक पेयरिंग का मतलब हर एक पेयर का जो है रेजिस्टेंस होता है, और दोनों के बीच की जो गैपिंग होती है 100 से आप क्लियर करते हैं कि शॉर्ट है या ओपन है जो कुछ है मतलब टेस्टिंग के लिए। तो इसमें RGB कलर बेस को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि सारा यूनिवर्स में जो हमारा सनलाइट है उसमें जो भी कलर इफेक्ट हैं उसी में सब कुछ पूरे छुपे हुए हैं, और ये पिक्सल बेस पे काम करते हैं। तो अब जो है ये चीज़ें साइंस है चुकी है, और इसी बेस पे जो है हमारा जो है टेक्नोलॉजी बेस काम करता है। तो अब इस चीज़ को अगर आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से समझते चलेंगे, क्योंकि LVDS देखिए लो वोल्टेज पे काम करता है। लो वोल्टेज मतलब क्या होगा, 0-1 के फॉर्म में। अब 0-1 के फॉर्म में 1 से भी जो है थोड़ा सा डाउन मिलेगा जो वोल्टेज की जो हमारे जो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का जो मतलब डिफरेंस है, ये लॉजिक टोटल डिजिटल है, ठीक है। और डिजिटल की वजह से देखिए उसके जो सिस्टम है या जो उसके डिवाइसेज हैं, जो उसके कंपोनेंट हैं, वो टोटल चेंज हो चुके हैं पहले से। अब इसमें क्या है कि अब जो चीज़ें हैं वो क्या है कि पहले जो लिखे रहते थे उसमें क्लियर देखने को मिलता, अब वो सारी चीज़ें गायब होता चला जा रहा है। अब आपको उसको समझने के लिए अगर ये हमारे पास बेसिक नहीं रहेगा, इसको हम नहीं समझेंगे तो आगे काफ़ी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, अगर हम उसके फीलिंग से उस चीज़ को देखेंगे समझेंगे या समझे रहेंगे तो इस चीज़ को पकड़ लेंगे हम, भले इस पे कुछ भी ना रहे। यानी टेक्नोलॉजी बेस को देखकर भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। और मेरा मेन रीज़न यही है
किसकी कोई भी नॉलेज है उसको डेप्थ तक जाने की जरूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डेप्थ तक आप जानते हैं तो उसका कोई भी सलूशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि ये सारे रेज से हम लोग जुड़े हैं। रेज मतलब किरण, जो भी लाइट है, जो भी इफेक्ट है उसके। अब चूँकि बहुत सारे ऐसे वो रेज हैं कि जिसे हम देख नहीं सकते, हमारी आँखें जो है या ईयर जो है, कान है, वो सबका एक लिमिटेशन है कि उतना ही देख सकते हैं, उतना ही सुन सकते हैं। इसीलिए हमको जो है उसके टेस्टिंग टूल्स तैयार करने होते हैं, और टेस्टिंग टूल टूल के माध्यम से ही हम किसी चीज़ को जान सकते हैं। तो आर्टिफिशियल जब टेस्टिंग टूल तैयार करते हैं तब हम उस चीज़ को देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि अपने लिमिट को क्रॉस करने के लिए हमको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। इसलिए टेस्टिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को जानने समझने के लिए। जैसे हम मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं, ऐसे देखकर हम वोल्टेज को नहीं जान सकते, तो उसके मेजरमेंट को समझने के लिए हमको एक मल्टीमीटर का हेल्प लेना पड़ता है। हर मल्टीमीटर के हेल्प से जो है हम उसके वोल्टेज को ट्रेस आउट कर लेते हैं, जान लेते हैं। अब अगर वोल्टेज के हम उसके अगर हम वोल्टेज के वेवफॉर्म को देखना चाहें, तो अब मल्टीमीटर से चूंकि वो वेवफॉर्म को देखा नहीं जा सकता, उसके लिए DSO ज़रूरी है। इस समय देखिए जितने भी मल्टीमीटर लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें सारे टेक्नोलॉजी को देखते हुए मल्टीमीटर भी चेंज हो गए, यानी ये टेस्टिंग इक्विपमेंट है। तो ये जितने भी टेस्टिंग डिवाइसेस हैं जो भी आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेस पे, ये भी उतने चेंज होते चले जा रहे हैं। तो पहले की जितने टेक्नोलॉजी थी वो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेंगे, और ये बहुत सारे फील्ड में फैल चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स चूँकि AI बेस इतना इजी और इतना मतलब हाई टेक्नोलॉजी एडवांस बना दिए हैं कि अब जो है आपको जानना ही बहुत ज़रूरी है अगर इस फील्ड में रहने की ज़रूरत पड़े, मतलब है तो।